मैं उस सबको नमस्कार जवाहर सबसे अच्छा लगा। देखिए आज की प्रेस वार्ता में मैं पहले हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट विजय पटनायक जी, हमारे मुख्य बीजेपी प्रभारी किशोर रंजन मोदी जी सबको और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक सामाजिक कार्यक्रम इसके बाद अन्न प्रसन्न होगा तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप सब लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, प्रसाद हम लोग बांटेंगे, आप उसमें शामिल हो जाइए प्लीज। बीजेपी और बीजेपी के शादी के बाद 10 बच्चे पैदा हुए, एक नहीं दो नहीं तीन, पूरी तरीके से जो है हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 10 पीपल, मतलब एक क्रिकेट टीम और एक एक्स्ट्रा 12 लोग की जो है टीम उतर रही है मैदान। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि बीजेपी और बीजेपी के शादी के बाद इतने जल्दी 10 बच्चे लोग आ गए, और 10 बच्चे लोग का नाम जो है पहले बता देता हूं, उसके बाद डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पहला सबसे बड़ा बच्चा जो है जो पहले आया था डिलीवरी में वो चिट फंड स्कैम बेबी, चिट फंड स्कैम बेबी पहला बच्चा का नाम। दूसरे बच्चे का नाम है माइनिंग स्कैम बेबी। फिर एक और बेबी आया जो पहले जो जैसे पैदा हुआ तो नर्स वर्स को छेड़खानी करने लगा, उसका नाम है गुंडा बेबी। गुंडा बेबी जो पैदा ही होने के बाद तुरंत जो है अपना हाथ पैर चलाने लगा डिलीवरी रूम में, उसका नाम है गुंडा बेबी, जो छेड़खानी करता है महिलाओं का, क्राइम करता है विमेन का। फिर चौथा बेबी का नाम है मास्क स्कैम बेबी। लेकिन मास्क स्कैम बेबी एक इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चा जो है पैदा होते उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक था, क्योंकि उसने कहा कि हमने हॉकी स्टिक स्कैम भी किया, तो मास्क बेबी के हाथ में जब पैदा हुआ था एक हॉकी स्टिक भी था, क्योंकि दोनों स्कैम थे, एक मास्क स्कैम था एक हॉकी स्कैम था, आपको याद होगा। पांचवा बेबी का नाम है तमिल बेबी, तमिलियन बेबी का एक आया था, उसका नामकरण तो आप जानते हैं सर्वा पांडे ने, हम लोग सोच रहे करने के लिए अभी तक नाम कर, लेकिन तमिल बेबी। सिक्स लैंड ग्रैबिंग बेबी, उसमें वेदांता वेदांता सबके जो है जो जो है टैटू मार्क्स है, जितने भी जमीन जो है ट्राइबल लोग का जमीन का जो कब्जा किया ये बड़े बड़े कंपनी, तो बच्चे के शरीर में जो भी माइंड ग्राफ लैंड ग्रैबर है उसका टैटू नाम आ गया, उनका नाम भी हम बता देंगे आगे, लेकिन बच्चे के शरीर पर ही जो है माइनिंग कंपनी का नाम था। उसने कहा कि हमने ये बच्चा ने आदिवासी जमीन को कब्जा कर लिया, 2 लाख लोग को बेघर कर दिया, 80 विलेज को खाली करा दिया, सब लिखा हुआ बेबी के ऊपर टैटू। सेवन बेबी है बीजेपी और बीजेपी का जॉब जुगला भी, नौकरी हम देने वाले बेटी, जैसे पैदा हुआ बोलने लगा कि यार चिंता मत करो नौकरी हो जाएगी, नर्स को नौकरी देने लगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो बेबी जो है नर्स को एक डॉक्टर को बोला कि चिंता मत कर तुमको नौकरी हम दिलवा देंगे, तो ये जॉब जुगला भी। फिर एक और छोटा बेबी आया, एक बेबी थोड़ा छोटा था जॉब जुगला से, हमने कहा कि भाई साहब तू क्या हुकुम है, बोले कि हम गवर्नमेंट जॉब जुगला बेबी, क्योंकि मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है, तो वो मोटा इस गवर्नमेंट जॉब बेबी जो है पतला दुबला है, 2 लाख नौकरी 2 लाख सरकारी पोस्ट खाली है, तो गवर्नमेंट जॉब बेबी थोड़ा सा छोटा। फिर एक और बच्चा आया जो जैसे ही नर्स ने उसको छुआ तो उसको करंट लग गया, वो पावर ग्रिड स्कैम बेबी है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो बच्चे को जो है क्योंकि उसका अर्थिंग वर्थिंग बढ़िया से नहीं हुआ था, पावर स्कैम बेबी, मतलब 100 रुपए का बिल टाटा पावर उसको 10,000 बना रहा है
दूसरा के जनता को परेशान कर रहा है। लास्ट में मोटा मोटा ताजा हट्टा कट्टा बेबी था इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज बेबी, मतलब महंगाई बेबी, महंगाई की बेबी या महंगा बेबी जो भी आप बोलना चाहते हो। तो ये पांच बच्चे, तो पांच बच्चे का दस, सॉरी दस बच्चे हैं, दस के आज आज विजय पटनायक जी द्वारा पूरा आज का जो कार्यक्रम का पंडित जी विजय पटनायक जी अन्न प्रसन्न वही करेंगे। मैं आपको सिर्फ तीन दो तीन बातें बताना चाहूंगा। चिटफंड बेबी, चिटफंड बेबी का 2000 करोड़ जो है पूरी तरह से खाकर बेबी मस्त है। 60 लाख लोग का जो है चूना चूना पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद चिटफंड बेबी जो है पूरा जो है 2000 करोड़ खाने के बाद पूरा लाल गोरा बेबी है। और उड़ीसा जिसना 60 लाख परिवार जो है दुबला पतला है क्योंकि पूरी तरह से लुटा गया, तो बेबी मोटा और बढ़िया जनता जो है दुबला पतला 60 लाख परिवार जो है एकदम बर्बाद। माइनिंग स्कैम बेबी जो है वो तो गुरु है, वो 9 लाख करोड़ खा गया। माइनिंग स्कैम बेबी 9 लाख करोड़ खा गया। अभी तक बीजेपी और बीजेपी के साथ गांठ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। 176 कंपनीज थे फॉरेस्ट लैंड में, उसमें से 98 ने परमिशन नहीं लिया फॉरेस्ट के लिए। 98 ये डेटा थोड़ा सा दे रहा हूं आपको बाद में दे रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट बेबी तो देखो ओडिशा के 34% लोग ग्रामीण क्षेत्र में ओडिशा छोड़ देते हैं। 34% ये जॉब जुमला बेबी जो है बहुत ही खतरनाक बेबी है। जॉब जुमला बेबी जो है अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बेबी बहुत ही खतरनाक है। ओडिशा के 34% लोग जो है यहां से छोड़ के चले गए। गवर्नमेंट जॉब बेबी जो है गवर्नमेंट स्कैम बेबी जो है ओडिशा में 98,000 जॉब्स वेकेंट। 98,000 का मतलब एक परिवार में 5 आदमी, 1 लाख की कमाई तो कम से कम 5 लाख लोग, 5 लाख लोग तो इस ओडिशा में आराम से रोजी रोटी चला लेते। उसके बाद कितने लोग को बाकी फायदा मिलता। नवीन पटनायक ने जो है पिछले 23 साल में जो है 1 लाख पद को नहीं भरा। तमिल कॉन्ट्रैक्ट वाला बेबी तो तमिल बेबी को तो आप जानते ही, तमिल बेबी तो आजकल दिल्ली में भी घूम रहे हैं, कभी दिल्ली जाते हैं कभी तमिल बेबी। पहले से मोबाइल रहा, जैसे पैदा हुआ है वो सीधा जाकर अमित शाह के गोदी में बैठ। तमिल बेबी बॉर्न हुआ अस्पताल में और सीधा जो है अमित शाह वहां पर डिलीवरी रूम में तो उसकी गोदी में अंदर बैठ गए। तमिल बेबी अमित शाह के गोदी में। इलेक्ट्रिसिटी स्कैम बेबी के बारे में एक ही चीज जानना चाहूंगा। ओडिशा बीजेपी सरकार ने कहा कि हमने 20,000 करोड़ बिजली के नेटवर्क बनाने के लिए खर्च किया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। 20,000 करोड़ टाटा पावर कह रही है कि हमने सिर्फ 5,000 करोड़ खर्च किया। तो ये 15,000 करोड़ कौन खाया? तमिल कॉन्ट्रैक्टर ने खाया, नवीन जी ने खाया। नवीन जी बताएंगे, नवीन जी बोलते हैं बहुत ईमानदार है, कहां ईमानदार आप बताओ। नवीन जी ने 9 लाख करोड़ खा लिया, 2000 करोड़ का जो है 20,000 करोड़ का चिप स्कैम है, 20,000 का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड करके 5,000 क्रॉस करके। तो नवीन पटनायक हिमसेल्फ इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर विच इज अ स्टोरी विच इज बीइंग परपेचुएटेड इन ओडिशा की बहुत ईमानदार है। आप बताओ कि अगर आप चोरी करोगे और बोलो कि आप ईमानदार है, उसने चोरी किया मेरे घर में, उसने चोरी किया, अरे ये तमाशा है, 23 साल से ओडिशा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तमिलियन अगर चोरी कर रहा है तो कौन उसका कैप्टन है? ये बच्चे का जो कैप्टन वाइस कैप्टन एक तो नरेंद्र मोदी है, वाइस कैप्टन कौन है? नवीन पटनायक ना। इस क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है अगर नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक, और नरेंद्र मोदी दोनों कैप्टनशिप इंटरचेंज कर रहे हैं ना। वी आर टेलिंग यू नवीन पटनायक जी का जो ईमानदारी की कहानी जो ढोंग जो है इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द पीपल।
अगर 2 लाख आदिवासी का जमीन हटा करके प्राइवेट कंपनी को दिया तो कौन जिम्मेदार है? नवीन पटनायक एंड पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। 80 गांव को खाली कर दिया, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल लोगों को मैं बता रहा की जगो, यहां पर पैसा कानून अभी भी लागू नहीं है पूरी तरह से। हमारे झारखंड में पैसा लागू है, कोई नहीं आदिवासी का जमीन ले सकता है। यहां पर आदिवासी को तो जो है आप फुटपाथ जैसे, कोई फुटपाथ का हॉकर जैसे करा दिया। हमारे झारखंड में देयर इज अ पैसा, यू कैन नॉट टच द आदिवासी लैंड इन झारखंड। एंड जहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा आदिवासी इंडिया में है, उस स्टेट में नवीन पटनायक ने 2 लाख आदिवासी को वेदांत और वैसे कंपनी के नाम पर खाली करा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? लेना पड़ेगा ना। प्राइस राइज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सरसों तेल इतनी महंगी हो गई कि सरसों तेल अब खाने के पेट में नहीं है, सिर्फ काम में डालो। मोदी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि काम में डालने लायक है हमारे पास, हमारे पास और पैसे नहीं है। सरसों तेल में हम पहले मछली मछली खाते थे ना, बस अब भाई मोदी कहते हैं लीजिए काम में डालने लायक रखिए, यह स्थिति हो गई हम लोग की। विमेन जो गुंडा बेबी लगातार जैसे ही पैदा हुआ वो महिला लोग का छेड़खानी करना शुरू, हाईएस्ट क्राइम इन इंडिया ऑन विमेन इज इट पुलिस। जिस स्टेट में इतने अच्छे लोग, क्योंकि पुलिस तंत्र जो है काम नहीं कर रही है, वो पॉलिटिकल काम है। पुलिस जो है महिला की सुरक्षा के लिए नहीं, वो बीजेडी और पांडेय जी और नवीन जी को सत्ता में रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। All the IPS officers and politicians, police officers have become the frontal organization of BJP. जैसे ED, CBI frontal organization BJP का। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कल आपको मालूम होगा नवीन पटनायक की जो है काले करतूत है, how much of money they have taken from mining company, the highest contribution of electoral bond for a regional party is बीजू जनता दल। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, कल निकालिए लिस्ट और कनेक्शन कीजिए, पांडे का कनेक्शन, नवीन बाबू का कनेक्शन, कौन सा माइन से कितना पैसा मिला, कौन से कॉन्ट्रैक्टर से, कल जब नाम आएंगे ना सब शेल कंपनी का नाम होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी जांच करके नवीन पटनायक का जो नाटक है मुखौटा उठा देंगे। It is the most corrupt government in the state of India. Maximum electoral bonds from corrupt mining and contractors have come to the state of Odisha to the Bharatiya Biju Janata Dal. अभी तो ये trailer है। रोज एक हफ्ते बाद हम अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बताएंगे कि नवीन पटनायक ने कहां कहां पैसा बनाया और क्यों ओडिशा इस देश के सबसे गरीब स्टेट है। Please remember the maximum electoral bond to a regional party is BJB and all electoral bond will be a shell company. But Naveen Babu, हम लोग भी तेज हैं। उस shell company का मालिक कौन है? वो तो register of companies में तो online मिल जाएगा। You will see the actual exposure of Mr. Naveen Patnaik. It's one of the most corrupt political parties in this country. जिन्होंने ओडिशा का फ्यूचर माइनिंग और कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया। ट्राइबल लैंड के बारे में हमने कह दिया, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हमने कह दिया, हमारा इतना ही कहना है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूज देखें, ये 10 बच्चे, ये 10 बच्चे को हम पूरे ओडिशा ले जाएंगे। आप देखेंगे पूरा ओडिशा में घूमेंगे, हमारा इतना ही कहना है। ये भ्रम छोड़ दीजिए, ये मिथ खत्म कीजिएगा कि नवीन पटनायक एंड बीजेपी हैव इवन 0.1% ऑफ ऑनेस्टी। इट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। व्हेन यू आर मेकिंग 9 लाख करोड़ इन माइनिंग स्कैम, व्हेन यू आर मेकिंग 20,000 करोड़, व्हेन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम ऑल द थीम्स ऑफ इंडिया, आप किस हैसियत से बोलते कि हम ईमानदार हैं? और सिर्फ ये पांडे का काम नहीं है, या अश्विनी वैष्णव का काम नहीं है, अमित शाह का काम नहीं है, नवीन बाबू भी है। परसों एक और कार्यक्रम होगा उसके बारे में, परसों फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सवाल आप लेंगे उसके बाद विश्व रंजन जी आपको ब्रीफ करेंगे टीवी में अलग से। एक कमेटी हम बना रहे, एक हत्या हुई है उस कमेटी के बारे में विश्व रंजन जी अलग से आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। ओके विश्व यू ब्रीफ तो नो आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यक्ति का हत्या हुई की गई स्वप्नेशपुर गांव में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में बीजेडी के सरपंच पर पीसीसी प्रेसिडेंट क्रिएटेड उन्होंने एक हाई लेवल डेलीगेशन बनाया। हमारा पूर्व पीसीसी 6-7 साल उसके जो अध्यक्ष हैं उसके मेंबर्स हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बंकी निधि जी हैं और मनोज राव जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। ये टीम आज जाजपुर जिला जाकर के एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के रूप में और रिपोर्ट जो पीसीसी को सबमिट करके